बिलासपुर के कुंडी में पिछले 7 दिनों से जारी क्रमिक अनशन अब आगामी 7 दिनों तक चलता रहेगा। क्रमिक अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों की बैठक सदर एसडीएम के साथ हुई, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही, जिसके चलते अब उन्होंने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि आगामी 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर अमरण अनशन शुरू किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि जिला बिलासपुर में चल रहे बड़े प्रोजेक्टों में बिलासपुर के बेरोजगारों को 70:30 के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कुंडी में क्रमिक अनशन चल रहा है, जिसकी अगुवाई बामटा वार्ड के जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि पूरे जिला बिलासपुर के बेरोजगारों के लिए है और उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। क्रमिक अनशन में जिला परिषद सदस्य व बीडीसी सदस्यों सहित कई युवा भाग ले रहे हैं। आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया गया, लेकिन अब निष्कर्ष मुझे लगता नहीं कुछ निकला। आज एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अच्छा सहयोग रहा, डीसी साहब का, एसडीएम साहब का काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद इनको वक्त लगे, लेकिन जितना ये वक्त लेंगे उतना ही हमारे लोगों को काम करने में मिलने में दिक्कत आएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारी बड़ी बहन जिला परिषद है झनौता से, और इनकी तरह ही हमारे साथ 7 और जिला परिषद हैं, 8 बीडीसी मेंबर्स हैं, उसके अलावा प्रधान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हमने इनको कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर, और 7 दिन का इनको टाइम दिया है कि अगर इस 7 दिन में हमारा कुछ नहीं कर पाते हैं शायद हमें डीसी ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा। और मैं बात सिर्फ 4 लेन की नहीं कर रहा, भले ही हमने कुंडी के बाहर धरना लगाया हुआ है, वो हमारा एक बेस कैंप है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट वो इलाका है, उस पंचायत के लोगों के लिए बात करना मेरा अधिकार है, वहाँ से कार्य चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर रिस्पॉन्सेज ऐसे ही रहेंगे।